नमस्कार, केवल रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम आलू के समोसे बना रहे हैं। इसके लिए मैंने आधी किलो मैदा ली है। 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 150 ग्राम घी लिया है, 150 ml है। हम इसको डाल के गूंथते हैं। ये मैं इसमें सारा घी डाल दे रही हूँ। हम इसको दोनों हाथों की सहायता से मिक्स करेंगे। जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना अच्छे खस्ता समोसे बनेंगे। हमारी मैदा मिक्स हो गई है, देखिए कितने अच्छे। इससे ज़्यादा हमें घी नहीं डालना है। 1 टेबल स्पून में अजवाइन डाल रही हूँ। आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन ये पेट के लिए बहुत फ़ायदा करती है, अच्छी रहती है। जब हम तली हुई चीज़ खाते हैं तो ये डाइजेस्ट कर देती है, इसीलिए मैं डाल रही हूँ, वरना नहीं डालती। हमने पानी ले लिया है 1 कप। हम पानी के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी सहायता से आटा गूंद लेते हैं टाइट। नॉर्मल पानी लिया है मैंने, गर्म पानी नहीं लिया। इसमें हमारा 150 ml पानी लग गया है। इस कप से 1 कप पानी, जितना घी लिया उतना ही पानी लगा है। अब देखते हैं, और तो ज़रूरत नहीं है। दो चार चम्मच पानी, हम थोड़ा सा 1 चम्मच पानी और ऐड कर रहे हैं। बस इससे ज़्यादा हमें पानी इसमें ऐड नहीं करना है। टाइट आटा लगाना है, ज़्यादा पतला। हम इस आटे को थोड़ी देर 15 मिनट के लिए रख देते हैं ढक के, जब तक ये सेट हो जाएगा। हमारा आटा सेट हो गया है, 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा मसलती हूँ। चिकना करने के लिए इसको 2 भागों में बांट लेंगे। आज हम शाही समोसे बना रहे हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में तेल डाल दिया है 1 चम्मच। अब मैं इसमें जीरा डालती हूँ, काले मिर्च 1 टेबल स्पून, जीरा 1 टेबल स्पून, काले मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया साबुत 1 चुटकी, हींग, काजू, किशमिश 1 टेबल स्पून, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 कटोरी पनीर, 1 चम्मच भून लेते हैं अच्छे से।
वन टेबल एक कटोरी मटर, ये मैंने उबाल ली है, मैंने आधे किलो आलू लिए हैं, उबाल लिए हैं, उबाल के फोड़ लिए मोटे मोटे। हाफ टेबल स्पून काला नमक, हाफ टेबल स्पून सफ़ेद नमक, आप स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। वन टेबल स्पून धनिया पाउडर, वन टेबल स्पून अमचूर पाउडर, आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 5-6 मैंने हरी मिर्च ले ली है, ये डाल रही हूँ। स्पून रेड चिली पाउडर, आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि समोसे जो है तो तेजी अच्छे लगते हैं, चटपटे। हरा धनिया हम सबको मिक्स कर लेते हैं, इनको अच्छे से भून लेना है। हम इनको अच्छे से भून लेते हैं। कोई कम ज़्यादा मिर्च खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खट्टा खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, उसके स्वाद अनुसार आप सामग्री कम ज़्यादा कर सकते हैं। आलू बन के तैयार हैं, अब मैं गैस को बंद कर दी। एक लोई बना के इस तरह से उसको बेलते हैं। इसकी हमने पूरी बेल ली है, लंबी बेल ली है। इसकी पूरी ज़्यादा मोटी भी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है, ठीक होनी चाहिए, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, इस तरह से। हम इसको दो भागों में काट देते हैं। अब इसमें ये मैंने आटे का घोल बना लिया है, आप मैदा का बना लें, आटे का बना लें, किसी चीज़ का। एक चम्मच आटा लेकर उसमें पानी डाल दीजिए और उसको चारों तरफ हम इसको लगा लेते हैं। हम दोनों से इसी तरह से पानी लगा लेंगे, ये इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। हम इसमें आलू भरेंगे, हम इसको हाथ से दबा देंगे आलू को, इसको बंद करेंगे हाथ की सहायता से। देखिए कितना अच्छा समोसा बनके तैयार है। इसी तरह से हम दूसरा बना लेंगे।
इसी तरह से हम सारे समोसे बना लेंगे। ये मैंने दूसरी लोई बेल ली है पूड़ी, हम इसको भी ऐसी काट के इसी तरह से बनाएंगे और हम इसमें इस तरह से फोल्ड करके इसमें आलू भरेंगे। हम इसको हाथ के साथ दबा देंगे और इस तरह से इसको बंद कर देंगे। इसी तरह से हम सारे समोसे बना लेंगे, दूसरा भी हम ऐसे करेंगे। पानी लगाने से ये जो है खुलता नहीं है। इसी तरह से हम सारे समोसे बना लेंगे। कढ़ाई हमने रख दी है, तेल गर्म हो गया है, इसे चेक करते हैं। हमारी कढ़ाई तैयार है, हम इसमें समोसे डाल रहे हैं तलने के लिए। गैस मीडियम ही रखनी है, तेज नहीं करनी है, हल्की गैस रखनी है। आप घी में भी बना सकते हैं, तेल में, रिफाइंड में, जिसमें आपकी मर्जी उसमें बना सकते हैं। ये हल्की आंच में सिकते हैं, तेज आंच में नहीं सिकते। हम इन्हें पलट के देखते हैं। अब इनको पलट रहे हैं दूसरी तरफ से। उसके सुनहरे होने तक भून कर लाए। हमारे समोसे सिक गए हैं। हमें सर्विस प्लेट में निकाल रही हूँ। इसी तरह से हमें सारे समोसे तल लेने हैं। हमारे समोसे बनके तैयार हैं सौंठ के साथ। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।